एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी ज्योत बले। जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। आज हम लोग हैं जिला बदायूं में, और ये बिसौली के पास में गांव है अजनावर। और पुनर्जन्म का एक केस हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखें, ये बच्चा है इस जन्म में, इसका नाम है पंकज। है पंकज, है ना? हाँ। पिछले जन्म में आपका क्या नाम था? अनेक पाल। है तेज बोल, जोर से बोलो। हाँ, अनेक पाल पिछले जन्म में नाम था। तो इस जन्म में कौन से परिवार में? यादव जी है, और पिछले जन्म में भी यादव थे जी, है जी। पिछले जन्म में इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तबीयत खराब होने के कारण हुई थी। शराब भी पीते थे ये? हाँ, वो पीते, शराब पीते थे। तो उससे क्या हो गया था? पीलिया बन गई थी, उसमें फिर इनकी मृत्यु हो गई जी है? और एक और बता रहे थे कि इनके जो पिछले जन्म के पिता थे हैं जी, उनका जन्म भी कहीं हुआ। हाँ जी, उनके वाल्मीकि परिवार में है। हाँ, हुआ कहीं वाल्मीकि परिवार में हुआ है, उनका जन्म हुआ। तो वो पता नहीं कौन से गांव में हुआ, कहाँ हुआ? बल्लंग आशापुर की तरफ है, मधकर्म ढकिया, सावाद रोड पे। कृष्णवीर तुम्हारे पिताजी का नाम है? हाँ, सही बोल रहा हूँ। कहते सुरेंद्र। हाँ, अपने मतलब पिछले जन्म के सुरेंद्र पिता का नाम। हाँ। इनके पिछले जन्म के पिता का नाम था सुरेंद्र, और उनका जन्म हुआ है कहीं वाल्मीकि परिवार में, मद का ढकिया गांव है। किधर आ रहा है? शाबाद रोड पे है, बदायूं जिले में ही है, जो रामपुर में है वैसे तो, अब लग रहा हूँ। अच्छा, रामपुर जिले में है जी। अच्छा, बिसौली और शाबाद जो रोड है ऐसे। अच्छा, पहले वो यादव थे हैं जी। हाँ, और अब वाल्मीकि परिवार में चले गए हैं। तो देखो, ये किसी के हाथ में अपना जन्म मरण नहीं होता, हम मनुष्यों के कर्म हैं, जैसे कर्म करेंगे। तो वो भी क्या शराब वगैरह पीते थे? उनके मीट वगैरह खाते थे? हाँ, वो तो अब उनकी हमें जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? आप तो इसी गांव में रहते जी, लेकिन हमारे जन्म होने से हम अबोध है, तब गुजर चुके हैं। अच्छा, तब गुजर गए थे। अच्छा अच्छा, तो आपको मालूम है अपने पिछले पिताजी का, वो शराब पीते थे, मांस वगैरह खाते थे कुछ? नहीं मालूम? नहीं। अच्छा, अनेक बार तुम्हारे पिताजी पहले का काम करते? मांस फांस खाते, शराब पीते? हाँ, खाते थे ना। वो बता रहे हैं पिछले जन्म में जो अनेक पाल थे, उनके पिताजी जिनका जन्म हुआ है वाल्मीकि परिवार में, वो पहले जन्म में भी मीट मांस खाते थे, शराब पीते थे। तो अब उनका जन्म वाल्मीकि परिवार में हुआ। और कुछ बताते हैं पिछले जन्म के बारे में? और कुछ है पिछले जन्म के बारे में जानकारी? हाँ भैया, उनको नाम बता। बंटी, एसपी। एसपी, क्या भाई है तुम? हाँ, तीन। तीन तीन भाई थे आप हैं? आप सबसे बड़े। आपके बेटे का क्या नाम था? है? आपका जो विक्की, विक्की। और एक का विवेक। क्या नाम था? विवेक। विवेक, विवेक है। अच्छा अच्छा, एक विक्की एक विवेक, दो ही लड़का। अच्छा, दो लड़के हैं, ठीक। तो भैया, इस जन्म में जब आप बड़े हो जाओ तो शराब मत पीना है नहीं? शराब नहीं पीनी चाहिए।
मीट नहीं खाना चाहिए है, जब बड़े हो जाओ तो आपके पूजा पाठ करना है, हमने तुम्हें वो दिया है मंत्र दिया है इसको जपना, ठीक है। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा बताया ना, तो इसको आप जपते रहना और अच्छे अच्छे काम करना इस जन्म में है। भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बच्चा बता रहा है कि अपने घर से पिछले जन्म वाले घर में चला जाता है, अब भी चला जाता है, पहले ज़्यादा जाता था, तो वहाँ जो इनकी वो थी पत्नी थी उसने कुछ प्रसाद वगैरह खिलाया, 5 रुपये इसको दिए, तो तब से भूलता चला गया। और अब भी कहता है मेरे जूते कहाँ रखे हैं, वो मुझे बताओ, जूते तो मेरे रखे होंगे, तो इस तरह की बातें उसको याद आती रहती हैं। तो हम देखते हैं जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमको अगला जन्म प्राप्त होता है, और इस जन्म में भी सुख दुख मान अपमान मिलते रहते हैं। तो कभी भूल के भी हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, अपने खान पीन को भी ठीक रखना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करने से ही मनुष्य की सदगति होती है। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा है।